हरिद्वार, नैनीताल व उधम सिंह नगर में 1983 लाभार्थियों को पीएम आवास प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आज आवास का आवंटन किया गया। विधानसभा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उधम सिंह नगर, नैनीताल, हरिद्वार जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुल 1983 लोगों को आवास का आवंटन किया गया। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें काशीपुर, रामनगर, मंगलौर जैसे क्षेत्रों में लाभार्थियों को मकान आवंटित किए गए। 5 योजनाओं के तहत मकान की आवास आवंटित किए गए। राजधानी देहरादून में बाघ ने एक 4 वर्षीय बच्चे को अपना निवाला बनाया है। 26-27 दिसंबर को थाना राजपुर क्षेत्र अंतर्गत अभिमन्यु क्रिकेट अकादमी से थोड़ा आगे सिंगली गांव में आयांश पुत्र अरुण सिंह निवासी ग्राम सिंगली उम्र 4 वर्ष को उनके घर के आंगन से बाघ उठाकर ले जाने की सूचना पुलिस को मिली थी। सूचना की गंभीरता व संवेदनशीलता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा तत्काल सभी सिटी के थाना प्रभारी सीओ को बुलाकर एसपी क्राइम के नेतृत्व में कॉम्बिंग के लिए लगाया है। उत्तराखंड में उत्तरी पश्चिमी हवाएं चलने से ठंड बढ़ने लगी है। साल की विदाई पर राज्य के कुछ पर्वतीय इलाकों में बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने बताया कि 30 दिसंबर को उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा में हल्की बारिश बर्फबारी का अनुमान है। इन 5 पर्वतीय जिलों में 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में ही बर्फबारी के आसार हैं। वहीं 30 दिसंबर के अलावा 31 दिसंबर की रात और 1 जनवरी को भी पर्वतीय जिलों में बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। ऐसे में उत्तराखंड के अधिक ऊंचाई वाले कुछ पर्यटक स्थलों पर 31 और नए साल पर पर्यटकों को बर्फ का आनंद लेने का मौका मिल सकता है। 3-4 दिन की बात करें तो जो है उत्तराखंड में मौसम शुष्क रहेगा और अगले 1-2 दिन में देखेंगे जो उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्र हैं, विशेषकर जो हरिद्वार और उधम सिंह नगर है, वहाँ पे सुबह के वक्त कोहरा छाने की उम्मीद है, तो मॉडरेट से लेकर डेंस जो है फॉग मिलने की संभावना है। उसके बाद जो है बात करेंगे 4 दिन बाद 30-31 के बाद जो है 30-31 और 1 तारीख में उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्र, विशेषकर जो उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर है, वहाँ पर कहीं कहीं हल्की वर्षा देखने को मिल सकती है। साथ ही जो 3000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ पे बर्फबारी भी मिल सकती है इन क्षेत्रों में 30 तारीख, 31 तारीख और 1 तारीख को। जिला पूर्ति अधिकारी तेजपाल सिंह ने तहसील हरिद्वार स्थित कार्यालय में बायोमेट्रिक राशन वितरण प्रणाली को लेकर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जनपद हरिद्वार के समस्त सरकारी राशन की दुकानों को ऑनलाइन कर दिया गया है। सभी को बायोमेट्रिक पद्धति से राशन वितरण के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। जिला पूर्ति अधिकारी तेजबल सिंह ने बताया कि अगर किसी के फिंगरप्रिंट स्कैन नहीं हो पाते हैं तो राशन कार्ड के ऑनलाइन नंबर से भी राशन वितरित किया जाएगा। आज की डेट में विभाग से और भारत सरकार से स्पष्ट गाइडलाइन है कि खाद्यान्न का वितरण ऑनलाइन मेथड से ही किया जाना है और बायोमेट्रिक विधि से। ऐसे लोग जिनके उंगलियों के निशान नहीं आ पाते हैं बायोमेट्रिक सिस्टम पे, ऐसे लोगों को खाद्यान्न प्राप्त हो सके इसलिए भी सरकार ने निर्देशित किया है कि उनके राशन कार्ड नंबर को हमारा जो पोर्टल होता है उस पे दर्ज करते हुए उन्हें खाद्यान्न निर्गत करें। पिछले महीने हमने देखा है कि कुछ लोगों ने ऑफलाइन निर्गत किया, ऐसे करीब 17-18 दुकानदार हैं जिनको नोटिस भी दी गई है, उनके जवाब भी प्राप्त हुए हैं, आगे की प्रक्रिया गतिमान है। मैं मैसेज देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि ऑफलाइन खाद्यान्न का वितरण किसी भी स्थिति में कोई भी विक्रेता न करे, इससे उपभोक्ताओं का हित प्रभावित होता है। बायोमेट्रिक के साथ साथ जिनके फिंगरप्रिंट नहीं आ पा रहे हैं उन्हें पोर्टल पर राशन कार्ड नंबर दर्ज करते हुए ऑनलाइन मेथड से राशन का वितरण करना सुनिश्चित करें। यदि उनके पार्ट पे, विक्रेताओं के पार्ट पे यह अनुशासन नहीं फॉलो किया गया तो उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अभी भी मैं 20 लोगों के विरुद्ध प्रक्रिया गतिमान है।
हल्द्वानी में आज ओपन विश्वविद्यालय के अष्टम दीक्षांत समारोह में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत और गवर्नर आदि लोग उपस्थित रहे। वे इस मौके पर लगभग 15,417 छात्र छात्राओं को विभिन्न विभागों के माध्यम से उपाधि प्रदान की गई। वहीं उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि ओपन विश्वविद्यालय में अब तक आईटी कोर्स का भी शिलान्यास कर दिया गया है, जो कि जल्द आईटी के कोर्स की छात्र छात्राओं को प्रारंभ कर दिए जाएंगे और उत्तराखंड का ओपन विश्वविद्यालय अपने आप में एक अपनी पहचान बन चुका है।